एक शाम माँ ने दिन भर की लंबी थकान के बाद जब डिनर बनाया तो उन्होंने पापा के सामने एक प्लेट सब्जी और एक जली हुई रोटी परोसी। मुझे लगा कि इस जली हुई रोटी पर कोई कुछ कहेगा, परंतु पापा ने उस रोटी को आराम से खा लिया। परंतु मैंने माँ को पापा से उस जली हुई रोटी के लिए सॉरी बोलते हुए जरूर सुना था, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो पापा ने कहा, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या उन्हें सचमुच जली रोटी पसंद है? उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी, और वैसे भी एक जली रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, परंतु कठोर कटु शब्द जरूर पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी भरी पड़ी है अपूर्ण चीजों से, अपूर्ण लोगों से, कमियों से, दोषों से। मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, साधारण हूं और शायद ही किसी काम में ठीक हूं। मैंने इतने सालों में सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करो, अनदेखी करो और चुनो, पसंद करो, आपसी संबंधों को सेलिब्रेट करना। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे हर सुबह दुख पछतावे खेद के साथ जागते हुए बर्बाद न करें। जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें प्यार कीजिए, और जो नहीं करते उनके लिए दया और सहानुभूति रखिए। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में कई बार महिलाओं से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो होती तो मामूली हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हम कई बातें सुना देते हैं। अगर हम इन्हीं गलतियों को नजरअंदाज कर उनकी इन गलतियों को माफ कर दिया जाए तो शायद हर गृहस्थ की महिलाएं सुखी और संपन्न जीवन जिए। धन्यवाद।